हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इन द वीडियो इन यूट्यूब चैनल सी एन टी सी टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आपने मोस्टली देखा होगा अगर आपका सन सेट है, ठीक है, आपका सन सेट है बिल्कुल आपका मिनिमम 5 फीट है या 5 फीट से थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप 5 फीट से या फिर उससे ज़्यादा है तो आप उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि लटक बीम प्रोवाइड करते हैं नीचे। लटक बीम के बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप नीचे लटक बीम नहीं जाते तो कंसील्ड बीम आप प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी कंसील्ड बीम है, ठीक है। जो बार जो आपका ये आपकी बीम है, ये बीम का बाहर का फेस है, इसके बाहर के फेस से जो इसकी जो चौड़ाई है ये 5 फीट की है, तो 5 फीट के बाद आपके 16 mm का बार यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपकी 9 इंची की बीम है, ये बीम आपकी थ्रू आउट जा रही है, ठीक है। ये जो टॉप बार है ये पिछले जो रूम की बीम है से ये कॉलम है सपोर्टेड, पीछे कॉलम सपोर्टेड है, तो ये जो टॉप बार आ रहा है तीनों बार आपके थ्रू आउट जाएंगे सनसेट में, जो आपकी कंसील्ड बीम में जाएगी, ठीक है। 5 फीट की आपकी जो विड्थ है सनसेट की, ठीक है। जो बॉटम बार है ये आपका 16 mm का बार रहेगा, बॉटम में भी 3 बार यूज हुए हैं, वो इससे मिनिमम 7 फीट की दूरी पर, पीछे 7 फीट की दूरी पर है। मिनिमम 5 फीट से आपके 7 फीट तक आप पीछे लेंगे इसको, ठीक है, जो उसको आप डेवलपमेंट लेंथ बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई एंड पोर्शन होता तो आप उसमें क्या लेते हैं, एल डी लेते हैं, बिल्कुल आप नीचे उसमें एल हुक शेप में लेते हैं, मैं इस बार में हुक शेप में लेते हैं, ठीक है, 10+ × 10 to D, ठीक है। और ठीक है, मिनिमम यहाँ से जो एयरपोर्ट ड्राइंग बता रहा हूँ 7 फीट पीछे लेते हैं, मिनिमम 5 फीट से 7 फीट पीछे लेंगे, और बीम के फेस से आपका ये थ्रू आउट जा रहा है आपके यहाँ तक, ठीक है। ये कंसील्ड बीम है इसलिए इसमें आपके ना कोई हुक दिया है ना कोई इसमें बैंड दिया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी 4 इंची की ये टोट स्लैब की जो थिकनेस है आपकी 6 इंची की है, 6 इंची होने के बाद टॉप में 1 इंची और टॉप में 1 इंची नीचे क्लियर कवर देने के बाद बस आपके पास 4 इंची की आपकी ये कंसील्ड बीम है। कंसील्ड बीम में हमेशा ध्यान रखना कि जो स्लैब का आप जाल प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका डबल जाल रहेगा स्लैब में, ठीक है। डबल जाल होने के बाद आपको 10 mm का मेन बार है और 8 mm का क्रॉस बार रहेगा, 10 mm का यूज़ हो रहा है आपको इसमें, ठीक है। इसमें मिनिमम जो स्पेसिंग आपकी 6 इंची सेंटर टू सेंटर मेन बार की, और क्रॉस बार की 8 इंची सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। क्रॉस बार की जो आपका क्रॉस बार है इसकी सेंटर सेंटर डिस्टेंस है आपका 8 mm और 8 इंची, और मेन बार का जो डिस्टेंस है ये आपका मेन बार है जो आपका स्लैब से आ रहा है, स्लैब में से आएगा, इधर स्लैब रहेगी, मैं दिखा देता हूँ इधर से आपका स्लैब रहेगी, स्लैब में से थ्रू आउट जा रहा है, ठीक है। ये थ्रू आउट जाने के बाद आपका मेन बार जा रहा है, मेन बार आपका स्लैब वहाँ पे सनसेट तक जाएगा, ठीक है। बॉटम बार ऐसे ही आपका थ्रू आउट जा रहा है, मेन बार हमेशा क्रॉस, जो लॉन्ग डिस्टेंस आपका मेन बार रहेगा, क्रॉस बार आपका इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो सनसेट में आप यूज करेंगे सबसे पहले मेन बार जो बॉटम में आप यूज करेंगे नीचे वाला प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप नीचे, उसके बाद ये इस तरह प्रोवाइड करेंगे जो चौड़ाई में करेंगे, ठीक है। उससे आप ये इसी तरह से आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सनसेट में आपका इस तरह से रहेगा, बॉटम बार सीधा टॉप में जाएगा, टॉप का बार इस तरह से रहेगा, जो टॉप में मेन बार इस तरह से जाएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है, और क्रॉस बार नीचे जाएगा, ये वाला बाल इसके नीचे रहेगा, ऐसे ही है। काफ़ी क्या कर देते हैं, ये वाला जो बार पहले टॉप में कर देते हैं और ये वाला इसको नीचे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले ये टॉप में रहेगा, उसके बाद नीचे ये वाला बार रहेगा टॉप मैस में, और ये बॉटम मैस है उसमें मेन बार सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद क्रॉस बार इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से आगे से इस तरह आना चाहिए। फिर आपकी ये बीम है एंड पोर्शन में, इसलिए बीम इसलिए दे दी ताकि कोई इसमें आपका जो सनसेट है इसकी जो लेंथ है आपकी ज़्यादा है, जो सनसेट की जो टोटल लेंथ है उस एजिंग से लेकर इस एजिंग तक 15 फीट है, 15 फीट की वजह से इस कंसील बीम दी है। इस वाले कॉलम से भी देखो यहाँ पर भी आपके 3 कॉलम है, ये कॉलम है, उसके बाद आपका एंड कॉलम वहाँ पे है, ये आपका बीम आ गई है प्रोवाइड जो आपकी लटक बीम है, ठीक है। इस कॉलम सपोर्टेड बीम में रहेगी ये वाली बीम, यहाँ पे आपका ये लटक बीम रहेगी नीचे तक, ठीक है। अब उस वहाँ पीछे से ये आपकी क्या है, थ्रू आउट बीम गई हुई है सनसेट तक, ऐसे ही उस कमरे में वहाँ पीछे से आपकी वो थ्रू आउट बीम गई है एंड पोर्शन तक, फिर इसमें भी आपकी थ्रू आउट बीम गई है इस वाले पोर्शन तक, आपकी थ्रू आउट बीम आपकी क्या आई, कंसील्ड बीम यहाँ पे रहेगी, अलटक बीम इस कॉलम से जो पीछे रहेगी वो अलटक बीम रहेगी, कंसील्ड बीम आपकी स्लैब में हाज बीम हो जाएगी, ठीक है, ओके क्लियर। उसके बाद आपकी जो बीम डाली है या अभी आपकी हिडन बीम डाली है कंसील्ड बीम, ये इसलिए बीम डालते हैं ताकि जो अलटक बीम है आपकी प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लैब में बीच में प्रोवाइड कर देते हैं, ये लटक ना बने, यहाँ पे ये पोर्शन है ये आपका लटक ना बने नीचे से, ठीक है, ये पोर्शन आपका लटक ना बने, इस तरह से आपको प्रोवाइड करना है। कंसील्ड बीम क्लियर हो गया आपका, इसमें यहाँ पे भी आपको जो 4 इंची
जो अगर आप एक्स्ट्रा बीम डाल देते हैं, कंसीड बीम एक्स्ट्रा करने के लिए आपका 16 एमएम का बार है, आपको 4 बार हो गए, उसमें आपके 8 एमएम का स्ट्रप हो गया, जो इसकी स्पेसिंग है 8 इंची, ठीक है। इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि ये एक्स्ट्रा बीम है, एक्स्ट्रा बीम प्रोवाइड करने के लिए जाके इसको बैंड ना हो, सनसेट आपका बैंड ना हो, नीचे बैंड ना हो, इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा बीम है, ठीक है। ये आपकी एज पर सपोर्टेड बीम है, इसलिए आपका 6 बार इसमें 16 एमएम के लिए है, इसमें 4 बार दिए हैं, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं क्या होगा, लोड हो जाएगा, तो लोड की वजह से और ज़्यादा सर्जिंग खांचे पे लोड आएगा, तो आपका लोड ट्रैक्स आना स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है, एंड पोर्शन से ट्रैक्स आना यहाँ से होगा। अगर सर्जिंग पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो ट्रैक्स आना स्टार्ट यहाँ से होता है, इसलिए सपोर्टेड यहाँ पर लेना आपको, ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। ये बीम थोड़ा आपको अगर आप ज़्यादा दूर ना बांधे तो सबसे पहले बेटर रहता है यहाँ पर थोड़ा पास में लेके चले। और जो सनसेट का बार यूज करेंगे आप, जो बीम है बीम के बार बीम में से ऐसे निकलना चाहिए, जो बीम है जो आपका क्रॉस बार है इसमें से निकलना चाहिए, ठीक है, इसमें से आपको बीम में से होना चाहिए, कोई भी जाल इसके नीचे से नहीं जाएगा, बीम के नीचे से कोई बार आपको नहीं लेना है, आपके बीम में से अंदर से जाएगा, फिर आपका टॉप में बीम के टॉप में जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर रहेगा ये बीम। ये आपकी थ्रू आउट बीम है और ये आपकी सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम आपकी इसमें से बीम में से, ये वाली बीम है इसके नीचे जाएगी और ये वाला इसके बीम से टॉप में जाएगा, ऐसे ही जो मैस है इस बीम के टॉप मैस इसके टॉप में जाएगा और जो बॉटम मैस है आपका इस वाले बीम के नीचे से जाएगा, ओके। बस आज के लिए बस इतना ही, तो बीम आपको क्लियर हो गई, सनसेट में बीम क्लियर हो गया, और इस तरह से आपको इसमें चेयर प्रोवाइड करना है, जगह चेयर प्रोवाइड करना है ताकि प्रॉपरली मैस आपका एक दूसरे से डिस्टेंस चिपक ना बने, एक दूसरे से गैप बना रहे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, थैंक यू।